विद्यार्थियों आपके बीच 56 नंबर क्वेश्चन है, पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? आपके बीच ऑप्शन है बंगलोर, दूसरा ऑप्शन है चितरंजन, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और चौथा ऑप्शन है कानपुर। विद्यार्थियों पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है, इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बंगलोर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों अगर क्लास में पहली बार है तो क्लास को शेयर जरूर करें। और इसी कड़ी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। विद्यार्थियों आपके भी 57 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ी इलाकों में कौन सा गेज उपयोग किया जाता है? आपके बीच ऑप्शन है ब्रांड गेज, मीटर गेज, संकीर्ण गेज, विशेष गेज। विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संकीर्ण गेज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि पैसा ही पैसा होगा। छोटे गेज को नैरो गेज या छोटी लाइन कहा जाता है। नैरो गेज रेलवे का वह रेल ट्रैक होता है जिसमें दो पटरियों के बीच की दूरी यानी 2 फीट 6 इंच यानी 762 मिलीमीटर और 2 फीट 610 मिलीमीटर होती है। ठीक है विद्यार्थियों, इसी कड़ी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों आपके बीच 58 नंबर क्वेश्चन है, पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहां से कहां बिछाई गई? आपके बीच ऑप्शन भी है, पहला ऑप्शन है दिल्ली से बॉम्बे तक, दूसरा ऑप्शन है बॉम्बे से ठाणे तक, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता से इलाहाबाद तक, चौथा ऑप्शन है बॉम्बे से मद्रास तक। विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बॉम्बे से ठाणे तक चली गई थी। ठीक है विद्यार्थियों, इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि भारत में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी। बता दें कि यह ट्रेन महाराष्ट्र के मुंबई में बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे तक चली थी। हालांकि इस पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार बहुत धीमी थी और इस ट्रेन को 33.7 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.25 घंटे का वक्त लगा था। ठीक है, इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। विद्यार्थियों आप बीच 59 नंबर क्वेश्चन है कि पहली भारतीय ट्रेन कहां से कहां तक शुरू हुई थी? आपके बीच ऑप्शन में है कलकत्ता से दिल्ली, मुंबई से ठाणे तक, मुंबई से सूरत तक, मुंबई से मद्रास तक। विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई से ठाणे तक। ठीक है विद्यार्थियों, थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि भारत में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी। बता दें कि यह ट्रेन महाराष्ट्र में मुंबई से पोरबंदर स्टेशन से ठाणे तक चली थी। हालांकि इस पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार बहुत धीमी थी और इस ट्रेन को 33.7 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3.25 घंटे वक्त लगा था। याद रखिएगा 3 घंटे यहां पर होना चाहिए, नहीं लिखा गया है। इसी कड़ी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मोस्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। विद्यार्थियों आंख भी 60 नंबर क्वेश्चन है, पहला लोकोमोटिव चितरंजन में कब बनाया गया था? आपके बीच ऑप्शन में पहला ऑप्शन 1950, दूसरा ऑप्शन 1919 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन 1941 सितंबर, चौथा ऑप्शन 1965 अक्टूबर। विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1950 नवंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करेगा, सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर करेगा और अंत में सब्सक्राइब करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।